अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मनोसलवा, जिसमें आज बना रही हूँ अंडे आलू का सालन। रेसिपी को शुरू करते हैं, लेकिन रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी तमाम देखने से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चले, मैंने यहाँ पैन के अंदर जो है हाफ कप ऑयल ऐड किया है, ठीक है। अब ऑयल के अंदर में दो अदद मेरे पास यहाँ पे अनियन है, इसको मैंने रफली कट किया हुआ है, ठीक है। इस तरह से इसे मैं ऐड कर दूंगी। अच्छा, इस अनियन को हमें ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ लाइट से ट्रांसपेरेंट करना है, ठीक है। जैसे ही प्याज ट्रांसपेरेंट हो जाएगी मैं इसे ऑयल से निकाल लूंगी। देखिए, प्याज जो है हमारी सारी की सारी ट्रांसपेरेंट हो चुकी है, ठीक है। मैं इसे निकाल लूंगी, सारी प्याज निकाल लेनी है अच्छी तरह से। तमाम प्याज को निकाल कर मैं ठंडा करूंगी, ठीक है। गर्म तो नहीं पीसना है, इसे पीसूंगी मैं, लेकिन गर्म नहीं पीसूंगी, ठंडा करूंगी, उसके बाद मैं इसे पीसूंगी। जब तक हमारी प्याज ठंडी हो रही है, ठीक है, मैं क्या करूँगी, मैं सेम उसी ऑयल के अंदर, यहाँ मेरे पास आलू है 4 से 5 अदद, ठीक है। 4 से 5 अदद आलू को लेके ऐसा मैंने कट कर लिया था। आपकी मर्ज़ी, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं इसी आलूओं को इस तेल के अंदर ही फ्राई करके निकाल लूँगी। देखिए, आलू फ्राई हो चुके, ठीक है। अब मैं आलू को सबको निकाल लूँगी, बस लाइट गोल्डन से कलर देना है, फुल कुक नहीं करना है। हल्का बॉइल्ड कलर आ चुका है इसके अंदर, तो मैं इसे निकाल लूँगी। देखिए, मैं आलू फ्राई करके, ठीक है, निकाल ली। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इसी ऑयल के अंदर बॉयल एग फ्राई करूँगी। अपन यहाँ पे 6 अदद बॉयल किए हुए अंडे हैं, ठीक है। इसे भी हल्का सा गोल्डन कलर देके फ्राई करके निकाल लूँगी, लेकिन इसे फ्राई करते हुए आपने बहुत एहतियात करनी है। जैसे ही आप अंडों को ऑयल में ऐड करेंगे तो फौरन से उछलने लग जाएंगे, तो आपने क्या करना है, अंडे ऐड करते ही फौरन से कवर कर देना है ताकि ये आपके फेस पर ना लगे, ठीक है। मैं भी इसे फौरन कवर कर दूँगी। चलिए, अब मैं तमाम स्पाइसेस को पीसूंगी, ठीक है। इसलिए मेरे पास यहाँ सबसे पहले 1 कप दही है। इस दही को मैं इस ब्लेंडर के अंदर ऐड कर दूंगी। चलिए, अब दही के बाद मैं इसके अंदर जो मैंने अभी अनियन ट्रांसप्लांट की थी उस अनियन को ऐड करूंगी। अब मैं इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करूंगी, जिसमें मेरे पास यहाँ पर 1 टीस्पून रेड चिली का पाउडर है, 1 टीस्पून सॉल्ट। 1 टीस्पून सॉल्ट ले लेंगे, हाथ कर लेने मर्जी आपकी, सेट करूंगी। 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला और 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, ये जाएगा इसमें। और 1/2 टीस्पून हल्दी। अब इन सबको मैं अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी। पानी ऐड बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि दही के पानी की वजह से आराम से ब्लेंड हो जाएगा, ठीक है। अब मैं सबको ब्लेंड कर लेती हूँ। चलो, अब तमाम उसी ऑयल के अंदर जिसके अंदर तमाम चीज़ें मैंने फ्राई करके निकाली थी, सेम उसी ऑयल के अंदर अब मैं ऐड करूंगी 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 2 अदद लौंग और 2 अदद छोटी इलायची और 1 टुकड़ा दालचीनी का, ठीक है। इसे भी ऐड कर दूंगी इसके अंदर, हल्का सा इसे कैटल करेंगे। चलो, अब मैं इसके अंदर तमाम का तमाम ब्लेंड किया मसाला जो हमने ब्लेंड किया दही के साथ, इसे ऐड कर दूंगी। भूनना है इसको ज़रा सा। चलिए, मसाले को चेक कर लेते हैं। देखिए, मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, मैं इसके अंदर जो मैंने फ्राई किए हुए आलू थे उसे ऐड कर दूंगी। सारे चले जाएंगे। अच्छा, अभी मैं आलूओं में पानी ऐड नहीं करूंगी, पहले मैं आलूओं को 7 से 8 मिनट के लिए मसाले में पकाऊंगी, उसके बाद ही मैं पानी ऐड करूंगी ताकि जो आलू में कसर है पूरी मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाए और आलू हमारे मुकम्मल गल जाए। कवर कर रही हूँ बस अब मैं इसको 5 से 7। चलिए, आलूओं को चेक कर लेते हैं। अच्छी तरह से मसाले पक चुके हैं आलू, ठीक है। अब मैं इसके अंदर पानी ऐड करूंगी। अच्छा, पानी आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको शोरबे वाला चाहिए तो आप इसके अंदर जो है 1.5 से 2 कप तक पानी ऐड कर सकते हैं। अगर ग्रेवी वाला चाहिए तो आप इसके अंदर 1 से 1.25 कप पानी ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। मैं भी इसमें 1.25 कप पानी ऐड करूंगी।
चले मैं इसमें सवा कप पानी ठीक कर दिया। अब मैं क्या करूँगी, अच्छे से मिक्स करके अब मैं कवर कर दूँगी अगेन। अब आलू को मुकम्मल गलाना है। जब आलू मुकम्मल गल जाएंगे फिर मैं इसमें एग फ्राइड ऐड करूँगी। बस सर ऐसे मैं कवर कर रही हूँ, अच्छी तरह से आलू को गलने देंगे। को चेक कर लेते हैं, ये देखें अच्छी तरह से गल चुके हैं पूरे, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, अब इसके अंदर बॉयल एंड फ्राई किए हुए एग ऐड करूँगी। लेकिन ऐड करने से पहले मैं इसमें एग के ऊपर इस तरह से कट लगा दूँगी। सेपरेट नहीं करना है, बस दो साइड्स पे इस तरह से कट लगा के ऐड कर देना है ताकि तमाम ग्रेवी का जो मसाला है इसके अंदर चला जाए। चलिए ठीक है, अंडे मैंने इसमें ऐड कर दिए, ठीक है। मैं अंडों के साथ ही मैं इसके अंदर चार दो हरी मिर्ची इस तरह से ऐड कर रही हूँ, कट लगा के इसे ऐड कर रही हूँ। मिक्स करके सिर्फ 5 मिनट के लिए कवर करूँगी। अंडा आलू हमारा रेडी हो चुका है, बस 5 मिनट कवर करूँगी। उसके बाद मैं इसमें हरा धनिया ऐड करूँगी और हरा धनिया करने के 2 मिनट के बाद मैं इसे डिश आउट कर लूँगी। अंडे आलू का सालन रेडी हो चुका है, मैंने सर्व कर दिया है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आई होप आपको पसंद आएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट तक के लिए अल्लाह हाफिज़।